गाजी जिला पार्षद पूरे रहिए भैया पूरे अभी घेरा है अरे प्रेमचंद जी कहां रह गए आगे सब प्रेमचंद जी भैया डिबेट पर खूब बोलते हैं ऐसे एकदम संबित पात्र पसंद है पसंद हो गए थे बहुत हल्की बात है ये घेरल गल है पर्दावा से शायद बहुत एम्बुलेंस छोड़ गल सब एम्बुलेंस छोड़ल ना कुछ एम्बुलेंस छोड़ल और मत दूंगे ये एम्बुलेंस खोलिए हाँ खड़ी भैया खोल दीजिए खोलिए अरे तेरे दिमाग नहीं ये सारा एम्बुलेंस है कितना दिन से लगे है यार 6 महीना से पर्दा खोलो सब 6 महीने से यार खोलो पूछना क्या है इसमें आप दीजिएगा तो दिक्कत हाँ ठीक लीजिए कोई दिक्कत नहीं लीजिए खोलो पीछे फोटो है उनका पीछे से खोलो सब खोल दो यार जी के विरोध में नहीं निकले एक आदमी मेरे साथ नहीं रहा है अकेले आया है दो बार आया है और लोग बोला भी है कि फंसा देंगे कि हाँ तो बिटू भी अच्छा नहीं था अब इसको हम कुछ नहीं करते 6 महीने से हमको देख रहे जिला पार्षद जी कहाँ रह गए हाँ अभी कहाँ भैया हेलो सुनिए ना बोला बोला आगे वाला सारा एम्बुलेंस बाहर निकाल दिया गया है चार एम्बुलेंस चला गया है रिक्शा जी हैं ट्रेवल हो चुके हैं खुद में विकास हाँ विकास इधर चलिए ना इधर हाँ वही वही ना ठीक है ठीक है ठीक यहाँ 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 विकास ला हमें मस्त बनाओ और ज़्यादा है अच्छा पप्पू जी आपको डर नहीं लगा किस बात आपको अभी बाढ़ में कभी कोरोना में लगातार एकदम एक महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते अपनों ने जब छोड़ दिया माँ ने जब बेटे को बेटा ने माँ को पिता ने बेटा को बेटा ने बाप पति पत्नी को गांव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू एक महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्मुग्धि सरकार लोकतंत्र को मार देने वाली और ये नेता जो रावण कंस और यजीर से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं ये क्या है सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं हमारे भी भाई हैं मेरा सवाल वो नहीं है हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर मैं मुझे लगा किसी और का है रूढ़ी जी का घर नहीं लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है सवाल ना रूढ़ी जी का है ना पप्पू यादव का सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है सिस्टम का है क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया हर घर में लाश और कफन फिर बहाली क्यों
आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किए, हम निजी अस्पतालों को हैंड ओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट, और हर व्यक्ति के घर में